अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं 1.5 ईयर बाद चैनल बना रहा हूँ। टुडे वी आर राइट नाउ इन टेक्सला। हम टेक्सला म्यूजियम पहले गए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि ब्रेक चल रही है, तो फिर बाद में तो हम इधर आए हैं। उधर खानपुर डैम जाना है, तो हम इधर स्टूपा देखने आए हैं। पता नहीं क्या नाम है स्टूपे का, तो मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। देखिए वो खूबसूरती है, खेत है, पहाड़ है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा वाई वाड़ी है कि हम मड़ी वगैरह में हाइकिंग कर। देखें ये यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है, ये उर्दू में लिखी हुई है और ये इंग्लिश में लिखी हुई है। ये स्टूपे का नाम जो है दमा राजी का स्टूपा है, और अभी काफ़ी सीढ़ियाँ और रहती हैं, तो दोबारा से पॉज करता हूँ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਚਾਚੇ ਤੇ ਵੇਖ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ के लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक है, क्योंकि वो इन्होंने अपने वो भूता को जला दिया था, तो उधर से ना इधर उसका दांत निकला था, क्योंकि उसमें ये जो स्टूपर नहीं है इसके अंदर जलाया था, वो मुर्गे को जलाते हैं, तो उससे उसका दांत निकला था, उसके ऊपर ये स्टूपर बना दिया गया था। तो हमारे लिए मक्का मदीना हिस्टोरिक है, तो बुद्धिस्ट के लिए ये वाली जगह इम्पोर्टेंट है। ये वो हिस्ट्री पढ़नी है तो आप इधर पॉज करके पढ़ सकते हैं। दमा राजी का स्टूपा का नाम भी लिखा हुआ है, और यहाँ सारी फिर डिटेल वगैरह लिखी हुई है। और ये वाला जो स्टूपा है ये वो वाला स्टूपा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये दमा राजी का स्टूपा का मैप है। जब खोदा गया ना, खोदने के बाद में यहाँ से बुद्धा की एशेस मिली है। एक दांत मिला था जो म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अभी भी इसको मानने वाले बुद्धिस्ट लोग आते हैं, इसके इर्द गिर्द राउंड लगाते हैं। ये सारे उनके मेडिटेशन सेल बने हुए हैं, यहाँ बैठ के मेडिटेट करते थे। ये इनके बैक साइड पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये इनकी क्लासे थी, बीच में इनका तालाब था, ये इनके सारे छोटे स्टूपे थे, ये आगे J1 का स्टूपा था। इसके साथ बेटा सारे मुजस्मे आप देख सकते हैं, यहाँ इस कोने में खड़े हुए हैं। ये जो चीजें टूटी हुई हैं, ये इनके ये स्टूपे के साथ जो कमरे जो नहीं है जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये रूम्स है। अभी ये थोड़े से टूटे हुए हैं, ये सारे BCE से पहले की चीजें हैं, और अभी भी मुझे ये यकीन नहीं आता ये BCE से पहले वाली चीजें हैं जो अभी ये हम नजर आ रही है। ये सारी चीजें आई कॉन्ट स्टिल बिलीव के ये वाली जो सारी चीज़ें, ये 2000 ईयर्स पहले ये सारी बनाई गई थी, और ये हालांकि ये स्टूपा भी 2000 साल पहले ये बनाई गई थी। और आई कॉन्ट स्टिल बिलीव, अभी मैंने अपनी क्लास में वो अपने SST का टॉपिक पढ़े, उसमें था एंशियंट सिविलाइजेशन, उसमें मैंने गंदारा भी पढ़े, तो मैंने कहा कि मैं चक्कर लगा के आ जाऊँ। आपने हाथों से कंधों से उठाया हुआ, ये लोग कहते हैं हम लोगों ने पूरी दुनिया उठाई है, इनका शिवर ये था, इनकी ताकत ये थी, ये सारी ये उनके वो स्टैचू। ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं ये सारा गंदारा कि ये वो आर्ट है, ये सारी जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये गंधारा की बनी हुई है, और इन्होंने अपनी आर्ट से बनाई हुई है। ये जो चीज़ें जो हैं इसकी जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये सारी टेक्सला म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। ये जो आर्ट जो नज़र आ रही है ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ही है, आगे वो UK चले गए, मतलब इंग्लैंड और आगे जो भी कंट्रीज। देखें ये कितने बड़े बड़े नाखून उन्होंने बनाए हुए हैं, मतलब
उनका आर्ट स्टाइल बहुत अच्छा था, मतलब जो अभी एंशियन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री SST में, तो उनके लिए ये देखना मस्ट है। ये जो हैं ये दरख्त, ये बिल्कुल उसी तरह उधर गंदारा में हुआ करते थे, वो वाले दरख्त टूट गए, तो अभी ये दोबारा रिप्लेस किया उनकी जगह, उनकी शाख दोबारा लगाई गई है। तो ये टूटी बजी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, यह सारी उधर की जो मार्केट प्लेस जो है, अगर आपने देखी हो स्टडी में या वीडियोस में, उसमें वो इमेजिनेशन वाली दिखाती हैं जो उन्होंने बनाई है आजकल, और ये बिल्कुल उसी चीज़ की शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ शॉप्स हुआ करती थी। मैं मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ कि ये 3000 साल पुरानी बात है, और आप सोचें ये 3000 साल पहले की चीज़ है और ये पहले की बनी हुई है। ये इनके बुद्धा से इनके जो सर हैं उनके बाकी बॉडी जो है इधर खड़ी हुई है, और ये जो इनके जो सर हैं वो आगे टेक्सला म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। ये तालाब है, यहाँ आके वो नहाते थे, यहाँ वहाँ वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ टेक्सला बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है, तो इधर वो सीढ़ियाँ गायब हुई हैं, नहीं तो इधर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और फिर यहाँ नीचे जाके वो टाइप ऑफ स्विमिंग पूल था। और अभी ये पौधे हैं जहाँ से कलर्स निकलते थे, और यहाँ से फिर वो अपने वो बुद्धा, ये देखिए ये वो जगह जहाँ ये बंदे कपड़े धोते थे, ये पुराने जमानों का किचन। ये देखें ये चक्की है जहाँ से ये आटा बंदे पुराने जमाने पर मनाते थे, और इनके पीछे पीसीस भी बने हुए हैं। भाई बैठी ये क्या है, ये पुराने जमानों के बंदे अपने चीज़ें रखते थे, वो इधर रखते थे, और ये इनका स्टोर था। ये इन लोगों का स्कूल हुआ करता था, और इनके ये वो क्लासरूम है, अभी टेबल वगैरह हैं, अभी तो बहुत सारे टुडे बजे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो उन्होंने खुदाई करके निकाली हैं, तो हम बस आपको यही दिखा सकते हैं। वीडियोस वगैरह में आते हैं ना कि हम वी आर डूइंग योगा, मतलब योगा करके चौकड़ी मार के जो बैठ के ऐसे करना, वो भी ना मतलब इधर गंदारा से ही बना है, और ऐसे करते जैसे कि वो उनके खुदा से बात करें, वो ऐसे कहते थे कि हम उनके खुदा से बात करें। वी आर मुस्लिम्स, तो हम उधर मक्का मदीना जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए होली प्लेस है, तो वैसे ही ना बुद्धिस्ट के लिए ये होली प्लेस है। अब हमने ये महाराज जी का स्तूपा दिखा दिया, अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो पर, माबाली थीम पार्ट टाइप ऑफ। तो आप सोच लोगे कि क्यों नहीं था, क्योंकि बड़ी क्लास में जाने हैं तो पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने थोड़े से व्लॉगिंग छोड़ दिया था, और हम ज़्यादा किसी जगह प्लेस में नहीं जा रहे थे, तो दोबारा से मिलते हैं माबाली में।